मोर प्रिय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुगण राजीनंद चैनल आज सन्धार भागवत चर्चा को पुणी आउ गोटे भागपाई आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसतु शुणा आम आज सन्धार भागवत कौन अच्छा पूर्व आम ये शुणाजे आम तो सबुदिन प्रति मुहूर्त केवल निज कम निज पर निज किसी माने घर परिवार अन्य लोक समय दूचे आमे अंतत पांच मिनिट निजपाई समय दबा निजपाई भागवत को शुणा मनन करवा ध्यान करवा भगवान को केमी आम प्रसन्न कराइबा कि प्रकार भगवान को आम यह शुणापर आमर मन कि प्रकार भगवान पाख जापर आम से ही विषय टी चर्चा कले अल्प समय शुणिले समस्त मंगल हम पर कल्याण हम आपण मान मन शांति आत्मसंतोष आसब देखु थरुटे यहाँ मनन करूँ ध्यान सहित शुणु देखिए केते शांति लगे आम पूर्व भाग कौटी ना दश प्रचेत संघ विषय आम यही चबीस अध्याय थिले प्रभु देवदेव महादेव समस्त कल्याणकारी सी केवल समस्त कल्याण ही कल्याण करती जिते बड़े दश प्रचेत सब बाहरी तपस्या करेंगे दश भाई एकाग्र चित्त भगवान पाख जी से प्रभु निजे रुद्र आसी रुद्र गीता कही जो भागरे ये जो पढ़ाला आम पूर्व भागरे शुणिले ये सब थिला रुद्र गीता आहंगो पढ़िले कौन हेब से तो आपण मान भगवान बाणी को पढ़ की शुणी दे आज्ञा जे यहाँ किए के पढ़ले कौन पाइबे एवं पचिश अध्याय आरंभ करवा यापर प्रभु निजे कौन कही आसत शुणा मुनि मैत्र कौन कहते आम टे श्लोक को जीवा इति संदिश्य भगवान बाहिर सदैरभिपूचित पश्यता राजपुत्राण तत्रेवांतरधे दधे हर मैत्र ये कहते हे विदुर भगवान शंकर प्रचेता मानपर उपदेश दे प्रचेता मैंने भक्ति सहकारे पूजा कले तत्पर प्रभु शंकर अंतर्ध्यान हो गले ये प्रभु शंकर सत् शिक्षा दे रुद्र गीता कही सारिकी निजे चली बा मानने अंतर्ध्यान हो गले मैंने अलग जगह को चली गले तह प्रचेता गण जल रे पशी यही स्तोत्र जप कर दस हजार वर्ष जाए तपस्या कले शुणिले तो बंधु सत्यजुग में केवल तपस्या ही तपस्या थिला तेणु से मैंने कौन करुले ना प्रभुंर यह बाणी को ध्यान सहित रही पाणी भितर समुद्र भितर रही तपस्या कले जल भितर से ही समय कर्मकांड आसक्त हो पिता राजा प्राचीन बहिणी को आध्यात्म तत्वज्ञ कृपा नारद उपदेश देते नारद कर्म द्वारा क्यों कल्याण साधन बोली पचारे दुखर अत्यंतिक नाश हो परमानंद प्राप्ति को कल्याण कहती ता तो कर्म द्वारा ही मिल पारे ना ये नारद राजा प्राचीन बहिणी को उपदेश देखते ये राजा कहते हे महाभाग मो बुद्धि कर्म रे फसी जाई छी परम कल्याण कथा मते किछि जणा नाही आपण मते विशुद्ध ज्ञान उपदेश दियंतु जहाँ द्वारा मु एही कर्म बंधन रु मुक्त होइजिबी जे व्यक्ति कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम रे रही पुत्र स्त्री धन को ही परम पुरुषार्थ मानिथाय से अज्ञान रे संसार अरण्य रे भ्रम थाय परम कल्याण प्राप्त होइ पारे नाही सत कथा एटा देखु प्रभु ये देवदेव महादेव पाक सत् शिक्षा दे गुरु ज्ञान दे जापा गुरु ज्ञान किए दवापी ना देवर्षि नारद सीए जड़े महान आत्मा जी कि भगवान अंश भगवान निजे ऋषि भितर मु नारद तेणु ये नारद भी केवल जनकल्याणकारी बुलू था सारा जीवन तर चली जाए सारा दिन सारा वर्ष सारा समय तर चली जाए जनकल्याण से ये आजा प्राचीन बही को कल्याण करने सत्शिक्षा देवाई ये नारद महर्षि कौन कहते आसतु
नारद महर्षि कहले, हे राजा, तुम्हे यज्ञ रे निर्दय भावे जो हजार संख्या रे पशु को बलि देछ ताकु आकाश रे देख, एमाने तुम द्वारा पाइथिबा जंत्रणा को मन पकाइ तार प्रतिशोध नेबाकु तुम बाट चाहिछन्दी। एठी नारद ऋषि केमती कहुछन्दी, तुमे मृत्युप्राप्त होई परलोक गमन कलाबेले सेमाने तांकर लुहाबळी सिंहरे अति क्रोधरे तुमको घात करिवे। एठी नारद मुनि राजा प्राचीन वरिकु केमती सत्पदेश दौछन्दी सुनंदु। एही विषयरे मु तुमको एक प्राचीन उपाख्यान सुनाउछि, ताहा एक राजा पुरंजनर चरित, सावधान हो शुण। आउ गोटे राजा विषय आख्या दे एठी किए कहते, नारद मुनि राजा प्राचीन बही को कहते, पूर्वे पुरंजन नाम जड़े यशस्वी राजा थिले, तांकर विज्ञान नामक जड़े मित्र थिले, केही हेले तांका चेष्टा को बुझी पार नथिले। से राजा निज रहिबा योग्य स्थान अन्वेषण से सारा पृथ्वी बुलिले, मात्र अनुरूप स्थान न मिलबारु उदास होइगले। तांको नाना प्रकार भोगर लालसा थिला ओ से सबको भोग करिबार अयोग्य स्थान तथा नगर जुटिला ना। दिने से हिमालय रे दक्षिण पाख शिखर ठारे भारत भूमि रे नौटी द्वार थिबा एक नगर देखिले, ताहा सब प्रकार सुलक्षण संपन्न थिला। एठी के कहउछन्दी नारद मुनि राजा प्राचीन वरि को कहउछन्दी, राजा पुरंजन को उपाख्यान गल्प आकार, तार चारिपाखे प्राचीर ओ तन्मध्यरे बगीचा, खाई झरका, प्रधान फाटक, सुनारूपा मढ़ा सुंदर भवन मान थिला। एठी गल्प आकार सात शिक्षा देउछन्दी किए ना नारद महर्षि, प्रधान फाटक सुनारूपा सुंदर भवन मान थिला, तार चट्टाणटी नीलमणि स्फटिक वैदुर्य मोतीरे खचित होई शोभनीय होइथाए, तार आभारे नागंक राजधानी भगवतीपुर सम ताहा जणा जाउथिला। एठी केते प्रकार माने राजा जतेबेले राचिरा पुरंजन खोजी खोजी कोठी जाइके पहुँचुचंदी, मते कोठी टिके भल जागा, तेणु से जाइके गोटे एमती नगर रे पहुँचुचंदी। से नगर वर्णना एठी नारद महर्षि कहुचंदी, ता मध्यरे सभा भवन, चौरा, संक सड़क, क्रीड़ा भवन, बजार, विश्राम स्थान, मंडप थाई ध्वज पताका द्वारा सजा जाइथाय। से नगर बाहर वृक्षलतापूर्ण सुंदर बगीचाटी थिला, ता मझीरे स्वच्छ जलरे भरा एक सरोवर, तार आखपाखरे नाना प्रकार पक्षी भिन्न भिन्न कलरव करुथिले। से सरोवर तटरे थिबा वृक्ष गुड़िकर पत्र सह शाखा प्रशाखा सबू झरणार जलकणा सह मिसी बहुथिबा बासंती पवनर प्रवाहरे दोहलु थाई से तटभूमिर शोभा वृद्धि करुथाय। सेठाकर वन्य पशु सबु मुनि मनोजनित अहिंसा व्रतरे व्रती हुई कहार दुखरे कारण बनु नथिले। देखुचंत बंधु सेठी एते सुंदर आउ सुललित जागा, एते सुमधुर जागा सेठी सब थिला, कोकिलर कुहुध्वनि सेठाकर पथिकंकु से बगीचारे विश्राम नेबाकु डाकुथिला बेले मने होथाए। मैंने यही गोटे जगह थिला जोटि की राजा पुरंजन जाके पहुँचले। राजा पुरंजन से वर्ण में भ्रमण करुवा बेले एक सुंदरी को आसुवर देखिले। ये देखु राजा पुरंजन का मन केमती दोहलुची, तांको साथी दस जन सेवक थिले और से प्रत्येक शहे लेखाए नायिका थिले। पांच फणा थिबा गोटे सर्प तांको द्वारपाल थाई ताकु सबु दिगरु रक्षा करुथिला। से सुंदरी किशोरीटी विवाह पई एक श्रेष्ठ पुरुष खोजरे थिला। एठी देखंतु बंधु माने भगवान नारद महर्षि कि प्रकार गल्प आकार राजा प्राचीन बही को राजा पुरंजन उपाख्यान गल्प आकार कि प्रकार कहते। एठी तार नासिका दंतपंक्ति कपोल मुख अति रुचिकर थिला ओ दा सांग को कर्ण रे कुंडल झिलमिल करथाय। तार वर्ण श्यामल सुंदर कटी प्रदेश रे हलदी रंगर साड़ी सांग को सुवर्ण मेखला भारी मानु थाए। एठी से नारी रूप वर्णना करुछंदी कि ना नारद महर्षि राजा पुरंजन विषय रे पछरे सुंदर बेणी तस्तत होताए, चालीरे चरण नुपुर झंकृत होता है, रूपे से गोटे देवी प्रतिमा भली प्रतीयमान होता है। से गजगामिनी किशोरी
ଅଞ୍ଚଳରେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥାଏ। କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚକ ତାର ନିବିଡ଼ ସଘନ ସ୍ତନ ଦେହକୁ ଲଜ୍ଜାରେ ବାରବାର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆମେ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛେ ନା ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଛେ। ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ନାରଦ କି ପ୍ରକାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରକାର ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏହି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାଙ୍କୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆମେ ବିରାମ ନେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏହି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଜି ରହୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।